हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत गौड़ अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज मैंने दिखाऊंगा आप लोगों को सब्यसाची ब्लाउज किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। मैंने सब्यसाची ब्लाउज लगभग दिखा ही दिया है, जैसे प्लाइन ब्लाउज बोलते हैं उसे ही सब्यसाची लगभग एक ही कटिंग है। तो आज मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड एक्चुअल जो सब्यसाची जो ब्लाउज है, बहुत लोग जो बोल रहे हैं, तो मैंने अलग स्टाइल से मैं दिखा रहा हूँ। ओके, सब्यसाची ही बनेगा, मगर ऐसा नहीं है, एक ही मेथड है। बहुत लोग दिखा रहा है जो मैं वो तरीका से मैं नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा अलग स्टाइल से आप लोगों को दिखाऊंगा, मगर आप लोगों को इसमें बहुत एक्सप्लेन आप लोगों को मिल जाएगा किस तरीका से क्या क्या करना है, क्यों करना है, सब कुछ ए टू जेड आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। एकदम इजी ब्लाउज है सब्यसाची, आप एक बार देखिए वीडियो को, उसके बाद ही आप बोलिएगा। सबसे पहले फ्रेंड, नेचुरली जो पैटर्न है, आप लोग चाहे डीप नेक में करे, चाहे हाई नेक पैटर्न में करे, सबसे पहले इसी तरह एक बना लीजिएगा। ओके, और उसके बाद फ्रेंड मैंने आप लोगों को सिखाया जो एलिट कट जो पैटर्न होता है ना हम लोगों को, तो उसे एलिट पट काटने के लिए हमेशा एस लेंथ चाहिए। तो मैंने एस लेंथ मानिए इधर 10.5 ले रहा हूँ, और एक्स्ट्रा हाफ इंच तो 11 मैंने ले रहा हूँ, ऊपर में सीम्स छोड़ के ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नीचे मैंने ऐसा करके ऐसा दिखा रहा हूँ, उसके बाद ऐसे कर दिया है, ठीक है फ्रेंड, मैंने पूरा सीधा कर दिया है। और उसके बाद हमारा एलिट पार्ट है वो अलग हो गया है। तो एलिट पार्ट को कटने के लिए आप लोगों को पता है किस तरीके से करना है। आप लोग चाहे इस जगह में 1 इंच कर दीजिए, और साथ ही साथ इस जगह में 1/2 इंच कर दीजिए, ऐसे करके एक इसे आप बना के रखिएगा। सबसे पहले एलिट कट को बना के रखिए, और उसके बाद फ्रेंड इस जगह में आप लोगों को पता है हमेशा जो ऐसे करके हम लोगों को आर्म होल का जो शेप उसका मिडिल में हिस्सा में यूज होता है, मगर जो डीप नेक हम लोग करें तो उसके तो थोड़ा सा आ ही जाता है ऊपर में, मगर हाई नेक जो पैटर्न है आप लोगों को काफ़ी ऊंचा करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि जब घूमता है वो वाला हिस्सा ज़्यादा नीचे आ जाता है, और इस जगह में एक मसल होता है हमारा बगल के, तो वो ही एकदम सीधा बराबर होता है। तो हम लोग आइडिया करके कर लेते हो, मगर आइडिया ऐसे नहीं आता है। आइडिया जब होता है वो एक नॉलेज के बेस पर नॉलेज के बेस पर ही वो होता है आइडिया। तो वो ही नॉलेज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब घूमता है और जब सीधा वाला हिस्सा उतना मिडिल होता है, तो उसके बाद हम लोगों को ये वाला ये सीधा करना है, मगर उसमें बीच में आ जाता है फ्रेंड एक क्रॉस पॉइंट आ जाता है। मानिए हमारा जो क्रॉस पॉइंट है वो इस जगह में हमारा 9 आ रहा है। फ्रेंड आप लोग देखेंगे कोई भी चीज़ अगर मेजरमेंट से करेंगे तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है, मगर जो लोग सिखाते हैं उस वक्त तो इजी हो जाता है इधर उधर, मगर मेजरमेंट में ऐसे नहीं होता है। जैसे कि देखिए मेजरमेंट दिखा रहा हो, मगर इस जगह में कोई कुछ नहीं दिख रहा है, इस जगह में एलिट आ गया है बीच में, तो कैसे करूँ। तो चलिए इसी जगह से ही आप लोगों को ठीक ठाक करके हमें दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। और क्रॉस लेंथ मैंने ले लिया है, उसके बाद मैंने इस जगह को 4 इंच ले लिया है, और उसके बाद मैंने इस जगह को ऐसे करके, इस जगह को ऐसे करके मैंने ये घुमा दिया है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सीधा करके ऐसे मैंने घुमा दिया है फ्रेंड। ये बास्ट का एरिया होता है इस जगह को, तो बास तो पूरा एरिया में नहीं होता है, बास नेचुरली इस जगह तक होता है। तो हम लोग चाहे इस जगह में कोई छोटा छोटा कोई डार्ट दे के बास्ट का यानी कि शेप और भी अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मगर जो सब्यसाची ब्लाउज है नेट में वो इस तरीका से नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जिन्होंने बनाया है तो इसी तरह ही बनाया है, मगर मैंने आपको और भी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ वो ब्लाउज को। आप लोग चाहे इसे इस जगह को थोड़ा सा डार्ट, इस जगह में थोड़ा सा डार्ट, और ये मिडिल वाला जो एरिया होता है उसमें और भी इसका लुक अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद फ्रेंड आप लोगों को नेचुरली ये वाला शेप को फॉलो करनी है, फ्री हैंड में ये वाला शेप को फॉलो करनी है। ओके, ये देखिए हमारा लगभग ब्लाउज बन ही गया है इस जगह में। ओके, और साथ ही साथ आर्म होल में भी थोड़ा सा फ्रेंड ये शेप दे दीजिए एकदम इजी तरीका से। हमारा चैनल में जो मैंने प्लैंक ब्लाउज दिखाया ना, एक बार अच्छी तरीके से उससे सीख लीजिए, साथ ही साथ जो प्रिंसेस कट का जो डार्ट का जो कैलकुलेशन करते हैं वो सीख लीजिए, उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, तो वो करने से बाद आप लोगों को लगेगा ये एकदम इजी है। सभी तरीका मैं बता रहा हूँ, मगर जो सही लगे आप अपने हिसाब से करिएगा।
बहुत लोग हैं जो इसे इस जगह को डार्ट देकर इसे बड़ा के इस पार्ट को जुड़ के ऐसे ऐसे वैसे कर रहा है, मगर मैंने एकदम इजी तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैंने एलिट कट कर दिया, इसी वाला पट कर दिया है, तो आप लोगों को पता है मैंने सब कुछ जो मुश्किल काम है वो एकदम इजी तरीके से आप लोगों को सिखा देता हूँ। चलिए हम इसे कट कर लेंगे फ्रेंड। और एक चीज़ बता दूँ, अगर बैक में डार्ट वर्ट होता तो फ्रंट में हम लोग थोड़ा सा कम कर देते, मैंने मानता हूँ। चलो मैंने इक्वली में कट कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारा ये जो डार्ट होगा, तो डार्ट के लिए नीचे हमने इसी तरह बढ़ा देंगे, ओके, इस जगह को हमने बढ़ा देंगे, क्योंकि एक पार्ट सिलाई होगा फिर से फोल्ड होगा, इसलिए मैंने 0.75 से भी थोड़ा सा कम अपने हिसाब से इस जगह में जितना जुड़ेंगे। जैसे फ्रेंड डबल कटोरी में मैंने दोनों पार्ट ओवरलैपिंग करके आप लोगों को सिखाया, तो उसी तरह अब अपने हिसाब से जितना ओवरलैपिंग होगा तो उतना ही इस जगह को आप ले लेंगे। और इस जगह को फोल्ड रहता है, ओके फ्रेंड, इस जगह को फोल्ड रहता है। ठीक है फिर नेचुरल पैटर्न को हम लोगों ने इसी तरह ही इसे कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो एलिट है, मैं चाहता हूँ एलिट को इसी तरह दिखे, मगर आप लोग चाहे इस जगह में कोई शेप वेप आप लोग देना चाहते हैं, आप लोग बहुत आसानी से इस जगह में शेप दे सकते हो। और दूसरी बात है फ्रेंड, हम ये तो मैंने कट कर लिया है, और उसके बाद इसे भी हम लोग कट कर लेंगे। ये दो पार्ट मैंने ऐसे ही कर लिया है, कट दिया है, ओके। अब दोबारा हमें इस पार्ट को ड्रॉ करना चाहिए, क्या क्या कौन सी जगह में क्यों हमें इस पार्ट को एक्स्ट्रा लेनी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए ये कहाँ पर होगा, इस जगह में हो सकता है, नहीं इस पेज में नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा पेज लेता हूँ। फ्रेंड आप लोग ट्रेसिंग व्हील से भी बहुत आसानी से इस जो काम मैंने डबल मेहनत करके कर रहा हूँ, अगर ट्रेसिंग व्हील होता आप लोगों के पास वो और इजी हो जाता था। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद हमारा जो नेचुरल जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम एक ड्रॉ कर लेता हूँ, हमारा जो नॉर्मल जो बैक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, हमारा नॉर्मल बैक पार्ट इसी तरह ही है। अब सवाल होता है, हम लोग अगर मेजरमेंट से करूँ तो आप लोग ऐसे वैसे करेंगे तो नहीं मेल होगा, कोई कस्टमर का फिट नहीं होगा। तो हमारा जो क्रॉस पॉइंट है, मैंने जिस जगह में ड्रॉ किया था वो पहले मेंशन कर देंगे इस जगह को, तो उसके बाद उसी के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए। जैसे कि हमने इस जगह को हमने डायरेक्टली ले लेंगे इस जगह को ऐसे करके, और प्लेन ब्लाउज में एक बात बता दूं फ्रेंड, नेचुरली जो फिल्मी में जो दुनिया है उसमें बहुत ही डेप चलता है, कोई कोई क्या करता है इस जगह में कोई पट्टी नहीं लगाते हैं और ये इतना ही खुला रहता है, मगर हमारा जो इधर जो चल रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, इसका डेप थोड़ा सा कम करके आप इसी तरह ही ऐसे कैलकुलेशन करेंगे जे ये इतना दूर तक एकदम सीधा जाएगा, इतना दूर तक सीधा जाएगा, हमारा नॉर्मल जितना डेप्थ है उतना ही इस जगह में जुड़ा रहेगा। तो दोनों पार्ट को इसी तरह रखेंगे, पाइपिंग वाइपिंग इस जगह को मिला के, मगर किस तरीके से आप लोगों को A to Z हम बताएंगे। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये एक ही तरीका बता रहा हूँ, बाद में हो सकता है हम आप लोग अगर रिक्वेस्ट करें तो इसके ऊपर और भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोगों को जितना कैलकुलेशन, मानिए हम लोगों ने इस जगह को 10 लेना चाहते, और एक बात बता दूँ,
आप लोग इस जगह में भी एक डॉट दे देंगे तो अच्छा होगा, थोड़ा सा एक डॉट दे देंगे इस जगह में, मानिए मैंने इसे ऐसे करके डॉट दे दिया है, एक हाफ इंच मैंने डॉट दिया है, तो इस जगह को हाफ इंच हम बढ़ा देंगे पहले से ही। और इस जगह में हमें जितना चाहिए, ये देखिए हमें इतना चाहिए, तो इतना अगर करूँ तो ये 10 हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा सीम्स हो जाएगा, 10 10 20 आ जाएगा, और बैक पार्ट में हमारा 70, लगभग 37 इस जगह में आ जाएगा, और नॉर्मल बस्ट हमारा है लगभग 35 आ जाएगा आफ्टर स्टिचिंग, तो एकदम सही है, 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो आप देखिए जैसे कि इस जगह में ये जितना हिस्सा है आप लोगों को मैंने प्लैंक ब्लाउज में बताया, जैसे कि ये ऊंचा होता है ना, तो उसके लिए इस जगह को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, तो हम लोग इस जगह को जैसा है वैसा ही से बढ़ा के और थोड़ा सा इस जगह को कम कर देंगे। ये अगर ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, और साथ ही साथ इसमें एक स्टिचिंग होगा इसमें, तो आफ्टर स्टिचिंग वो इक्वली इस जगह में हो जाएगा, और जैसे ये उठेगा तब जाके ये सीधा बैठेगा, मैं शॉर्टिंग करने के बाद आप लोगों को दिखा दूंगा। और उसके बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे एकदम इसके साथ सेटअप करेंगे, ऐसे करके सेटअप करेंगे, नहीं तो आप इसे सीधा करिए इस जगह में, जो चाहे आप इस जगह में आप करिए। उसके बाद ये जैसे इस जगह में आ रहा है फ्रेंड, तो हमें ये पूरा करके कितना एलिट इसमें है इतना, और साथ ही साथ ये कितना है, ये जैसे कि नेचुरली ऐसा है, और उसके बाद हाफ इंच इस पार्ट को सीम्स होगा, तो जैसे ही जुड़ेगा हाफ इंच, अदरवाइज डबल सीम्स मैंने इस पार्ट में ले लिया है, जरूरी नहीं है, तो डबल सीम्स हम रखेंगे, और ये जैसा है वैसा ही हम रखेंगे, क्योंकि जब इस लेंथ मैंने ले लिया था, हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो उस वक्त हम लोग इसे ऐसे करेंगे, और उसके बाद मैंने नीचे एलिट जितना हमारा लेंथ है उतना ही करेंगे इस जगह को, ऐसे करके ऐसे 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 करके जैसा शेप है उसी तरह ही हम इसे करेंगे। तो नेचुरली मैंने फ्री हैंड में अगर इसे करूँ तो इसे ऐसा होगा, और साथ ही साथ ये ऐसा 9, तो 9 चाहिए हमारा इस जगह में, ये ऐसे फोल्ड करके ऐसे इसे ऐसे कर दीजिए, उसके बाद ये सीधा कर दीजिए, और ये जितना बड़ा है यहाँ से उतना ही बड़ा हमें इस पार्ट को चाहिए, नहीं तो मेल नहीं होगा। उसके बाद इसके साथ इसे ऐसे कर दीजिए, ओके। और आप चाहे इस जगह में थोड़ा सा शेप वेप आप लोग दे सकते हो, जो कुछ भी है आप इस जगह में कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोगों को जो पॉटल का जो हाइट है वो भी देखिए इसके साथ मेल हो रहा है, लगभग एक ही जैसा इसमें आ रहा है, जैसे शॉर्टिंग करने, और बाकी जो प्रोसीड्यूर है हम शॉर्टिंग करके आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे एलिट मैंने अलग से कट कर लिया है, और इस पार्ट को ऐसे करना है, क्योंकि इस जगह में शेप नहीं देंगे तो अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा, और इस जगह में आप लोगों को बताया फ्रेंड डार्ट देने का भी तरीका अलग होता है, अब मैंने बताया फर्स्ट टाइम ही, जो जैसे कि इतना सा थोड़ा सा नैरो टाइप होगा, बाकी इधर वॉल्यूम उठेगा, उस तरह का जो डार्ट किस तरीके से हम लोग करते हैं वो भी तरीका मैंने इस वीडियो के बाद ही आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, एक बार पैटर्न बनाए उसके बाद तैयार कीजिए, बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल हम इसे पार्ट को कटिंग करेंगे, और शॉर्टिंग बहुत ही बढ़िया चीज है इस वीडियो में, तो शॉर्टिंग हम दिखा रहे हैं, इसे पहले कट कर दूं। उसके बाद इसे हम लोग कटिंग कर देंगे, मैंने अलग ही तरीका आप लोगों को बता दिया हूं, और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड। ठीक है फिर उसके बाद हमें इस पार्ट में दोनों तरफ हमें सीम्स चाहिए, दोबारा हम इसे कट करेंगे। चलिए इस पार्ट में हम इस जगह को फ्रेंड सीम्स हम लोग लेकर उसके बाद ही हम और शॉर्टिंग करने का तरीका हम बता रहे हैं, तो पहले हम इसे इस जगह को जैसा शेप हुआ है तो उसी तरह ही हम इसे ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ठीक है ऐसे, और इसे ऐसे करके देखेंगे,
मैंने एक्स्ट्रा सीम्स इसमें ले लिया है, तो इस पार्ट को हमें और नहीं चाहिए। और साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट है इसे भी हमने सीम्स लेकर हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसे कट करता हूँ दोनों पार्ट को। ठीक है फ्रेंड, ये दो पार्ट हमारा निकल आया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम लोग शॉर्टिंग करेंगे। किस तरीके से शॉर्टिंग करेंगे अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इस जगह में ही छुपा है सब कुछ। सबसे पहले मैंने इसे इसके ऊपर रख रहा हूँ, और ये वाला जो पार्ट है मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड, जो इस जगह में जो एक डार्ट हम लोग लेते हैं, तो जितना डार्ट इस जगह में लेंगे तो उतना ही डार्ट इस जगह में आ जाएगा बाद में, तो जितना होगा हम लोग बाद में शॉटिंग कर लेंगे। और ये देखिए पहले था किस तरह, मैं थोड़ा सब लोगों को दिखा दूँ, ये था इस तरह, मैंने इसे कट नहीं किया है गलती से, और उसी तरह ही बड़ा हो गया है। बस ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मैंने कट नहीं किया है, इसलिए वो बड़ा ही रह गया है। तो चलिए मैंने इसे कट कर रहा हूँ अभी। हाँ तो फ्रेंड इसे इसी तरह ही हम लोग करेंगे। और उसके बाद ये वाला हिस्सा, यानी कि ये देखिए सीम्स जितना जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इस जगह में, तो हम लोग और भी थोड़ा सा कट कर देंगे। तो जैसे मैंने शॉर्टिंग करता हूँ हमेशा, तो उसी तरह ही शॉर्टिंग करेंगे, ऐसे करके थोड़ा सा इस तरह हम लोग कट कर देंगे। और जैसे कि लगे ये इतना ही है, तो चलिए इस जगह को हम लोग इसी तरह कट कर सकते हैं, अदरवाइज हमने इस जगह को भी ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा कट कर देंगे इस जगह में। ठीक है, पहले हमें आर्म होल को इस जगह का शॉटिंग करना है। ये देखिए आप सही हुआ है, इधर इधर सही हुआ है, और उसके बाद ये घूम के इधर आया है, तो नेचुरली ये देखिए इसका शॉटिंग ऐसा होता है, ये जब घूमता है इक्वली हो जाएगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसी तरह ही इस तरफ हमारा शॉटिंग हो गया है। अब देखना है ये जो पार्ट है, इस पार्ट का मैंने आप लोगों को जब वीडियो में बताया था, तो जितना एलिट होगा उसी तरह ही इस जगह का मेजरमेंट होगा। तो ये देखिए मैं चाहूँ जब पैटर्न बना रहा था फ्रेंड उस जगह में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करके मैं कर सकता, मगर आप लोगों को दिखा रहा हूँ जैसे कि शॉटिंग में भी इसी तरह आप लोग चेंज आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जैसा है सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा इस जगह में, और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस जगह में करके इसे ऐसे कर रहा हूँ। ओके, और ये देखिए जैसे कि अब हमें क्या करना है, एलिट के साथ देखिए मेल हो रहा है, ये देखिए एलिट जैसा है ये इसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस जगह में आया जाए, क्योंकि प्लाइंग ब्लाउज सॉरी शोभोशाची ब्लाउज में क्या होता है, ये पहले पाइपिंग देना पड़ता है, पाइपिंग के लिए सीम्स हाफिंग्स चले जाता है नीचे वाला। सही है, तो इधर सही है, इधर सही है, और ये वाला सही है। अब हमें जो असली जो जगह है वो सही करना है, इस जगह को सही करना है, तो क्या होता है ये ऑटोमेटिकली ठीक ठाक ये हो जाता है। ये देखिए जैसे कि हमारा ये इस जगह को इतना सा कम है इस जगह में। ओके, तो इस कम को मेकअप देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पार्ट को जैसे कि बोला था आप लोगों को, इस पार्ट को हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा छोटा हम लोग कर सकते हैं इसे।
क्यू मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल इसे आप लोगों को शॉर्टिंग करना है ऐसे करके इस पार्ट को। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा इस जगह को हम लोग और कट कर देंगे इस पार्ट को ऐसे करके थोड़ा सा। ओके चलिए अब देखता हूँ ये क्या बना है। ये देखिए इसमें जितना एक्स्ट्रा होना था वो एक्स्ट्रा है इस पार्ट में। ओके, और साथ ही साथ ये जैसे ये ऊंचा होगा फ्रेंड, ये बास्ट अपने हिसाब से इस जगह को हमें सेटअप करना है, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमने जो एलिट पार्ट इस जगह में दिया है, एलिट पार्ट के हिसाब से हमने इस पार्ट को हमने ऐसा ही किया है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा करना होता तो अगर हम लोग चाहते हैं जो इसे इस तरफ से बड़ा ना किया कि हम इस तरफ से करूँ, तो आर्म होल जैसे हम उठा देंगे तो इस तरफ से ये भी इस तरह से बड़ा हो सकता है। तो जितना चाहिए हम इस तरह बड़ा कर दिया है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। और उसके बाद दूसरी बात, ये वाला पार्ट भी इस तरीका से सिलाई होगा इस जगह में। सिलाई करने के बाद इसमें भी जैसे कि आप लोगों को बताया अभी, जो जैसे इसमें डार्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके सीम्स में चले जाएगा, और जैसे सीम्स में जाएगा ये इसी तरह इस जगह को उड़ जाएगा ऐसे करके इस जगह में उड़ जाएगा। और ध्यान रहे फ्रेंड, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इस जगह में ये वाला हिस्सा जब ऐसे करके इस जगह में जितना क्रॉस पॉइंट होगा, क्रॉस पॉइंट की जो नीचे वाला हिस्सा है एकदम इक्वली सीधा होना चाहिए, किसी भी हाल में सीधा होना चाहिए, ऐसे करके सीधा होना चाहिए ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड, ये किसी भी हाल में इस जगह को सीधा होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को जो शेप होगा वो शेप अच्छी तरीके से नहीं आएगा। ओके, ध्यान रहे। और दूसरी बात है फ्रेंड, मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग अगर चाहे तो वो स्टाइल से भी आप लोग कर सकते हो। इस जगह में आप लोगों को बताया था ना, जो आप लोग अगर इसे थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर सकते हो इस जगह को, ये देखिए ऐसे करके, तो भी हम लोगों ने इस जगह को ये बड़ा करके ये तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस जगह में। मैंने ऐसे ही आप लोगों को बताया है, जो मुझे पता है जो ये ऐसे होने वाला है, तो आप लोग ये ऐसे करके भी कर सकते हो, इधर भी ऐसे करके भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जो नेचुरल जो बाटी का जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि किसी भी हाल में आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये पार्ट जब उठता है ना तो ये छोटा हो जाता है, इस पार्ट को छोटा, इसलिए ये बड़ा करना पड़ता है। और बड़ा करेंगे तो साथ साथ फ्रेंड ऊपर वाला हिस्से में खींचा हुआ रहेगा, तो नेचुरली इसे कट करेंगे तो वो मेल हो जाएगा, मगर ये बड़ा हमें जितना चाहिए उतना ही आ जाएगा। ध्यान रहे बस ये सब, और कुछ नहीं करना है। और चलिए मैंने एक बार मॉडल में आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने नया स्टाइल से आप लोगों को दिखाया किस तरीका से बहुत लोग है जो इस जगह में शेप दे रहा है। फ्रेंड इस जगह में शेप देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लोग इस जगह को सीधा भी रख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप लोग और एक तरीका मानिए, जैसे कि इस जगह में हम लोग अगर ऐसे करके ऐसे शेप दूँ, इसमें क्या अंतर होगा, ये पार्ट थोड़ा सा खींचेगा इस तरफ से, और ये इस तरफ का जो हिस्सा है वो फुला हुआ रहेगा। आप लोग तरीका यूज़ कर सकते हो, मगर पहले एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, मुझे तो पता है, मगर आप लोग अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। तो चलिए मैंने एक बार मॉडल में दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए, ये इसका तो मेजरमेंट नहीं है, मगर फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड। ये देखिए, ये देखिए, जैसे हम इसे इसी तरह करेंगे फ्रेंड, इसके साथ ये मेल हो जाएगा। ओके, ये ऐसा करेंगे और ये दोनों जैसे स्टिच हो जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा ऐसे करके। ध्यान रहे इस जगह को, ये देखिए ये आ जाएगा, और मैंने दोनों तरफ डार्ट देकर फिनिशिंग कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत बढ़िया फिनिशिंग होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए मैंने थोड़ा सा दिखा रहा हूँ इसमें ऐसे करके, इसमें सीम्स मैंने ले लिया है तो इसलिए ऐसा लग रहा है, मगर सीम्स अगर नहीं लेता होता तो ऐसे करके, ये देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग बन रहा है ये साइड में। ओके, और आप सोचिए, जैसे कि इस जगह में अगर मैंने दोनों डार्ट को उसी तरह ही कैलकुलेट करके स्टिचिंग कर दूँ, तो बास जितना है उतना ही हो रहा है, मगर ये बॉडी वाला जो लेवल होगा, और इस तरफ भी आर्म होल की तरफ भी उसी तरह ही शेप आ जाएगा। ओके, बस यही तरीका है।
और ठीक है फ्रेंड, आप लोग पता चला इसी तरह, और कुछ नहीं बोलना है फ्रेंड। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करिए, क्योंकि ये मैंने एकदम नया स्टाइल से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग नेट में ढूंढने भी इसी तरह स्टाइल आप लोगों को नहीं सीखने के लिए मिलेगा, हमारा चैनल में ये सब आप लोगों को मिलेगा। तो जो लोग नया विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग चाहे हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने से इसी तरह फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आजकल इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।